नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर शिप्रा पंत, असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत गायन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर से। मैं आपको आज राग भैरव का बड़ा ख्याल, उसका आलाप, उसके महत्वपूर्ण स्वरों का परिचय इत्यादि संक्षिप्त रूप में समझाऊंगी और उसके अलंकार भी करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसके परिचय को एक नजर दृष्टि डालते हैं इसके ऊपर। यह राग भैरव जो है, यह थाट भैरव का राग माना गया है। इसका गायन समय प्रातः काल 4 से 7 बजे तक का माना है। इसमें वादी स्वर कोमल धैवत है और संवादी स्वर इसमें कोमल ऋषभ है। इसमें न्यास के स्वर षडज यानी सा, ऋषभ यानी रे, धैवत अर्थात ध और पंचम अर्थात प, इनका शॉर्ट एब्रिविएशन है, इनका शॉर्ट फॉर्म है सारे ध प। यह इसमें न्यास के स्वर है, यानी इन स्वरों को बार बार इस राग में रुका जाता है और बार बार दिखाया जाता है। इसमें श्लोक के अनुसार हम देखेंगे, इसमें श्लोक आगे आएगा भी, रेधा स्वर कोमल प्रयुक्त होते हैं और अन्य सभी शब्द स्वर जो हैं उसमें शुद्ध प्रयोग होते हैं और सातों स्वरों का प्रयोग होता है, अतः इसकी जाति संपूर्ण मानी गई है। भैरव कोमल ऋषभ सुर तीरक गंधार निषाद, यानी भैरव में कोमल ऋषभ है और बाकी सुर गंधार निषाद स्वर तीरव यानी शुद्ध है। धैवत वादी स्वर कहियो, धैवत जो है वादी स्वर है और तासु ऋखभ संवाद उसका ऋषभ यानी रे से संवाद है। तो यह इसका एक सूक्ष्म परिचय है जिसको हम आगे अब सही रूप में समझते हैं। जो भैरव है यह, इसमें ऋषभ और धैवत स्वर कोमल है, शेष स्वर शुद्ध लगते हैं, यह आपने जान ही लिया। इसमें कभी कोई भी कोई लोग विद्वान लोग जो होते हैं संगीतज्ञ इस राग के अवरोह में कोमल निषाद का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन नॉर्मली इस राग में ऐसा नहीं होता है। तो अब हम आते हैं इस राग की प्रकृति पर। भैरव राग की प्रकृति बहुत शांत गंभीर संयत राग की है। जैसे हम इसका समय भी प्रातःकाल माना गया है, तो हम इस जब हम इस बात को सोचेंगे कि इसका समय प्रातःकाल क्यों रखा गया, तो हम जब प्रातःकाल उठते हैं हमारा मन कैसा होता है, हमारी अपनी प्रकृति कैसी होती है, अपना चित्त कैसा होता है, शांत होता है, स्थिर होता है, गंभीर होता है। तो वही समय इस राग का गायन कर रखने का तात्पर्य है कि यही इस राग की भी प्रकृति है। यह अत्यंत गंभीर शांत और मधुर और संयत राग है, स्थिर राग है। और इस राग की जो अधिकतर विशेषता है इसमें कोमल रे और कोमल ध इन स्वरों पर अधिक निर्भर करती है। यही इस राग के प्राण है। इन स्वरों के आंदोलन, आंदोलन क्या है, आंदोलन स्वरों में एक विशेष प्रकार का कंपन है जो मैं आपको अभी गाकर बताऊंगी। यह सुनने से यह राग अधिक स्पष्ट हो जाता है, रक्तिदायक यानी प्रसन्नता देता है। अब आप इसको सुनेंगे तो आप ये और स्पष्ट हो जाएगा। पहले इसमें सबसे पहले शब्द जो है स्वर उसको पूर्णतः इसमें स्पष्ट करेंगे, इसे बार बार गाएंगे, उसको बहुत देर तक टिके रहेंगे, शब्द को बहुत अच्छी तरह से गा लेना है पहले कोई भी राग गाते समय।
अभी मैंने आपको आंदोलन या स्वर या शब्द बताया, तो वो ये आंदोलन ये ध और रे पे इसी तरीके से लिया जाता है, उस पर एक विशेष प्रकार से कंपन होता है, रुका जाता है। देखा आपने ध और रे पे हम एक अलग तरीके से आंदोलन को लिया है, यह इस राग में, इस राग की पहचान है। इस राग में इसको हम बार बार लेते हैं और यही राग के भाव को स्पष्ट करता है। इस राग की भावपूर्णता और गंभीरता को देखते हुए इसका गायन समय प्रातःकाल उपयुक्त ही माना गया है। इसकी गंभीर और शांत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इसका संप्रकृतिक राग है कालिंगड़ा और रामकली। इसके आरोह में ऋषभ का अल्पत्व रहता है। तो देखिए ये दो तरह की बातें हैं, एक तरफ हम पीछे हमने जैसे आपको बताया इसमें ऋषभ संवादी है, तो संवादी स्वर राग में बहुत प्रयुक्त होना चाहिए, लेकिन इस राग में उसका अल्पत्व है। ये कहने का तात्पर्य यह है कि इसे लांग कर जाते हैं आरोह में, देते बार बार है, अवरोह में पूरा आएगा, है संवादी के स्थान पर, मंत्री के स्थान पर, लेकिन आरोह में इसका लंघन है। जैसे अभी अब मैंने आलाप में लिखाया, मैं आपको स्वरम में करके बताती हूँ। सा द इसको नांग के गए सा गा मा पा आ, तो इस तरह से हम कहते हैं इसके आरोह में ऋषभ का अल्पत्व है, यानी से लांग कर लेते हैं। और इसके माध्यम से ऋषभ की मेल इसमें बहुत सुंदर दिखाई देती है, जो अभी मैंने आपको लिख के दिखाई। गा मा पा ये एक जानने योग्य इस राग में तत्व है। इस राग के हम आरोह अवरोह भी देखना चाहेंगे। सबसे पहले इसका आरोह अवरोह लेंगे। सा रे इसका आरोह अवरोह है। इसका पकड़ में इस प्रकार है, जिसमें जिस पकड़ ऐसा छोटा से छोटा स्वर समूह को कहा जाता है जिससे राग को बहुत तेजी से पहचाना जा सके, पकड़ा जा सके, इसलिए इसका नाम भी पकड़ है। सा गा मा
का आप बार बार आरोह अवरोह पकड़कर अभ्यास करेंगे, पहले स्वर में और फिर आकार में। आकार में हम 20 प्रकार गाएंगे उन्हीं को। सबसे पहले हम इसमें राग के स्वरों का जो चलन है, इसके जो सातों स्वर हैं, उसके अनुसार सबसे पहले इस राग के आलाप करते हैं, उस स्वरों को देखते हैं कैसे लगते हैं, षड्ज स्वर इस राग का कैसे लगता है। देखा आपने कैसे हम हर स्वर के बाद सा को स्पष्ट करते हैं, इस पर रुकते हैं, इस पर विश्रांति लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्वर है राग का। दूसरा जो ऋषभ उसका संवादी भी है, जो लंघन तरीके से जिसका प्रयोग आरोह में किया जाता है, अवरोह में नॉर्मल साधारण रूप से किया जाता है, वो संवादी स्वर बहुत महत्वपूर्ण स्वर है। राग रूपी राज्य का मंत्री है, राग रूपी राजा का, राग रूपी राज्य का राजा संवादी है तो मंत्री संवादी है। तो भैरव राग राज्य का जो ये ऋषभ है ऐसे प्रयोग होगा। द सा रे रे द रे द रे द सा गा कि इसको हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं, इसका महत्व पता चल ही रहा है, और कैसे इसको आरोह में नाग के प्रयोग कर रहे हैं ये भी दिख रहा है इसमें। और इस राग में खासियत है, विशेषता यह कि ऋषभ जो है वो षड्ज के सहारे से उसको हम लेते हैं, तो वो राग भैरव में ज्यादा सुंदर लगता है और लिखे भी ऐसे ही है।
उसको डायरेक्ट हम जो राग एक स्वर जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वो सीधे सीधे नहीं गाए जाते हैं। सा रे गा ता सा धा रे ऐसे नहीं गा के, उनके आपस में भी कॉम्बिनेशन होता है, उनमें आपस में भी घुमाव होता है, एक मोड़ होता है। और सा के आस लेके आता है, सा के सहारे से आता है, सा रे 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 सा रे रे सा। भैरव का ऋषभ सा के आस लेके इसको गाएंगे तो ये ज्यादा सुंदर लगेगा और राग भैरव भी लगेगा। अब आगे हम देखते हैं कैसे गांधार स्वर इस राग में कैसे प्रयुक्त होता है। सा गा गा रे, देखो मौ रे बहुत तसल्ली से लेना है इसको, उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, तभी उसकी सुंदरता जो मौ रे की संगति की उभर के आएगी। सा गा गा रे अच्छे भाव इस राग के आते हैं, शांत भाव आता है इसको गाने से, और ऐसा लगता है किसी को हम दूर से बुला रहे हैं, इस तरह का भाव आ रहा है। सा गा मा दा धा पा गा मा दा धा धा सा गा सा गा गा मा रा पा गा मा गा रा पा धा मा पा गा मा रे हमने देखा गांधार स्वर का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे मध्यम स्वर का इस राग में कैसे प्रयोग किया जाता है। मध्यम स्वर जो है इस राग में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका बहुत अल्प प्रयोग है, उस पर रुका नहीं जाता है इस राग में कहीं पे भी मध्यम पे, लेकिन उसकी सुंदरता अपनी जगह है। उसका यह कम प्रयोग ही इसकी राग की सुंदरता को बढ़ा देता है। सा गा गा ga ma re ta ga ga ma ga ma ra pa ga ma re sa ga ma ra pa sa ga ma कभी कभी माँ में इस तरह से भी फटका लेते हैं। गा मा रे सा, तो इसका अल्प प्रयोग है। और इसके पश्चात इसमें पंचम स्वर का प्रयोग कैसे करते हैं, जो कि न्यास का स्वर भी कहा गया है, बार बार उसमें रुका जाता है, ऐसा स्वर है गायन वादन में, इसको गाते बजाते समय बार बार स्वर को न्यास करते हैं, रुकते हैं। सा गा मा पा गा मा दा दा पा
कभी कभी इसमें आरोह में जाते हुए पंचम का लंघन करते हैं और फिर लौट के आते हैं, जो कि इस राग की एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रेज है, स्वर संगति है, स्वरों की पंक्ति है, स्वरों का गुच्छा है। गामा धाधा पा इस तरह से बहुत गाया जाता है भैरव में, तो आरोह में उसको लांग के वापस उस पे आया जाता है, उसको वर्ज नहीं है, न्यास तो उसी पर है, क्योंकि गामा धाधा सा आगे बढ़ते हैं। धैवत इस राग में कैसे प्रयोग किया जाता है, जो कि वादी का स्वर है, जिसपे आंदोलन भी किया जाता है और न्यास का भी स्वर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्वर है इस राग का, वादी है, राजा है। तो प्रारंभ भी इसमें ज्यादातर ध सा लिया जाता है, ध का इतना इसमें प्रबल है, अंग ध अंदाज आ गया होगा कि राग में धैवत स्वर कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे उसमें आंदोलन लेना है। उसके बाद निषाद स्वर पाएंगे, इसका भी मध्यम की भांति अल्प प्रयोग है, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ उस प्रयोग को दिखाना है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं करना है प्रयोग, कम प्रयोग है, लेकिन वो राग के निर्माण के लिए, राग की रचना के लिए, राग की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए उसको गाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में प्रारंभ में इसका आलाप लिया, उसमें भी हमने निशा का आश्रय लिया, तो ये राग को बनाने के लिए बहुत आवश्यक स्वर है। सा गा मा धा पा गा मा धा सा, इसका कभी कभी गाने में आरोह में हम लांग जाते हैं, लंघन भी करते हैं, लेकिन फिर पलट के लेते हैं, गा मा धा सा
हमने देखा इस राग में सातों स्वरों का प्रयोग उनके अनुसार कैसे होगा। अब इसका थोड़ा सा हम एक अंश आलाप में भी देख लेते हैं। अब हम इसकी बंदिश देखते हैं बड़े ख्याल की, जिसके शब्द हैं स्थाई के, बिना हरी कौन खबर मोरी ले, अंतरा है काहे को सोच करें मन मूरख नित उठी भोजन देत। यह एक ताल विलंबित लय में निबद्ध है जिसको अब हम देखते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले एक ताल में इस बंदिश को सुनेंगे। एक ताल विलंबित लय क्या है? ये 12 मात्रों की ताल है जिसमें बोल हैं धिन धिन धागे तिर किट तू ना कत ता धागे तिर किट धी ना धिन धिन। हम इसकी विलंबित लय रखेंगे, ये तो नॉर्मल स्टेप में है, इसकी लय है धिन धिन धागे तिर किट तू ना कत ता धागे तिरकिट धीना। तो अब हम इसको विलंबित लय में ले जाएंगे, यानी धीमी लय में ले जाएंगे, तो ये बंदिश की लय ऐसी हो जाएगी जो अभी मैं बोलूंगी, इसी लय में गाना है धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना ना धिन 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 धागे तीर कीट तू ना कत
अब इस ता से बंदिश उठनी है, मीना बंदिश शुरू है जो आपको जैसे दिखाई दे रही है। ये जो क्रॉस का चिन्ह लगा है ये इसका सम है, सम यानी यहाँ से ये एक ताल प्रारंभ होनी है, यानी कि दिन दिन धागे तिरकिट धागे। ये जो जीरो है इसको हम संगीत की भाषा में जीरो नहीं बोलेंगे, इसे हम खाली बोलेंगे, तो सम खाली, और दो जो है वो उसकी मात्रा है दो, फिर जीरो है यानी यहाँ पे फिर खाली है, फिर तीन और चार यहाँ यहाँ पे तबले में ताली बजेगी, यानी कि धिन जो है तबले का प्रारंभ कहाँ से होगा, इसके कौन से, ठीक है, ये इसका सम है, यहाँ से शुरू हो रहा है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, बंदिश आपको समझ में आ गई होगी, उसका स्थाई है। अब इसका दूसरा पद है अंतरा का Yeah.
कबर आले ता। तो ये बच्चों इसकी बंदिश है, अब हम इसके आलाप स्थाई के करेंगे। आपको बंदिश समझ में आशा करती हूँ आई होगी। इसके आलाप हम इस प्रकार करेंगे, कौन यानी सम दिखाने के बाद ही आलाप किए जाते हैं। मीना जो इसका स्थाई का मुखड़ा था, जब हमने एक आलाप आठ मात्रा का गा दिया है तो अब हमारे पास मात्राएं कम हो गई हैं, तो हमने उसको एडजस्ट करने के लिए उसको समायोजित कर दिया है। दो मात्राओं में इसका मुखड़ा हम लेंगे। जब हम कहते हैं इसका मुखड़ा पांच मात्रा का है और इसको हमने सीमित करके दो मात्रा में लिया है, तो उसकी स्पीड भी बच्चों कुछ कम हो जाएगी। आ
सविनारी कान
जान दे बच्चों, हम इसकी ताने करेंगे। ताने करने का तरीके में थोड़ा सा हम इतना चेंज करेंगे, जो लय हमने अभी तक निर्धारित की है उसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, तो थोड़ी तेज लय में इसकी ताने करेंगे। बीच में हम चाहे इसके थोड़े बहुत स्वरांग भी कर सकते हैं, थोड़ा इसके स्वर तीव्र गति में ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। हरि कौन सा 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 रे सा द सा रे सा रे ग म रे ग रे सा द सा सा रे ग म रे सा सा भी ना हरि कौन दा प धा प ग म दा प ग म रे सा रे सा ग रे सा म ग रे सा द प ग म ग द प द द प म ग रे सा बी ना हरि कौन। ये इसके स्वरांक है और इसके बाद हम इसकी ताने कर सकते हैं। आठ मात्रा की वो भी कौन सी स्टार्ट होंगी। मीना हरि कौन सरे ग म द द प ग म प द नि नि द ग म प द नि सरे रे सरे सा नि द नि द प ग म प द नि सा द नि द प ग म रे रे सा सरे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। इसका आकार में भी लेंगे हम। मीना हरि कौन बीना हरि कौन बीना हरि कौन सरे ग म ग रे सा सरे ग म प म ग रे सा सरे ग म प द नि ध प म ग रे सा सरे ग म प द नि ध नि ध प म ग रे सा सरे ग म प द नि ध नि ध प म ग रे सा बीना हरि कौन हरि
सरे गा दा दा बा गा मा बा दा नी दा गा मा बा दा नी दा रे रे दा रे दा नी दा नी दा बा गा मा बा दा नी दा दा नी दा बा गा मा रे रे दा सरे गा मा बा दा नी दा नी दा बा मा गा रे दा बी ना री कौन gama bama gama bama ga 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 bama ma ba 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 da ba da bama ba da ni da ba da ni da ba 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 da 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 ni ni da ni da ba ba da ni da da ni da ni da ni da ba ga ma ba da ba ba ga re da ni na ri ga ne बच्चों ये सैंपल के तौर पे आलाप तान है, आप इसमें अपने मन से बनाएं और इस राग को प्रकृति को समझ के दिखाएं, यही इस राग का मतलब है। धन्यवाद।